बदलती किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीट से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होंगी बारिश, कहाँ चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर पांच बड़ी खबरों के साथ, यानी शुरुआत में आपको उन पांच बड़ी खबरों से रूबरू करवा दें जिनको लेकर मौसम विभाग ने विशेष तौर पर जानकारी दी है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जानकारी दे दें कि अगले तीन दिन भारी बारिश के यहाँ पर आसार बने हुए। अगले तीन दिनों में उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है, तो सावधान रहे। राजस्थान की बात करें तो अगले दो दिन बेहद भारी बरसात यहाँ भी होने की संभावना है, राजस्थान में भी। अगली खबर पूर्वोत्तर से जुड़ी हुई है। मिजोरम में 25 अगस्त को हो सकती है मूसलाधार बारिश, यानी काफी ज्यादा बारिश हो सकती है यहाँ पर। वहीं अगर हम कच्छ की बात करें तो अगले दो दिन मूसलाधार वर्षा यहाँ भी होने की संभावना है। तो ये थी पांच बड़ी खबरें मौसम जुड़ी, जिसमें अब पांचवी खबर मेघालय से है। 26 अगस्त को भारी बारिश यहाँ पर भी होने की फिलहाल आशंका बनी हुई है। तो ये थी मौसम से जुड़ी पांच बड़ी खबरें। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास, जो कि आपको जानकारी देंगे मौसम अलर्ट के बारे में। भूमि, नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट DD किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां चेतावनी जारी की गई है। सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां सतर्क रहें। गुजरात में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मराठवाड़ा, केरल, तेलंगाना और तटीय तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। शुक्रिया भूमि तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम की ताज़ा जानकारी आपने दी, अलर्ट बताया, और हमारे किसान और हमारे अन्य नागरिक भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि उनके इलाके में किस तरह की मौसम से जुड़ी गतिविधि है, कैसा अलर्ट है और वो सुरक्षित रहेंगे। अब बढ़ते आगे, बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको विस्तार से बारिश के बारे में बताते हैं, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में कहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर बारिश होगी, कहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है और कहाँ पर अनेक जगहों पर होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना। वही नीचे आए तो उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक जगहों पर, वही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कई जगह बरसात होने की यहां पर संभावना फिलहाल बनती नजर आ रही है। तो अभी आपने जाना, हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के बारे में सबसे पहले जानकारी दी, जहां पर कहीं कहीं बरसात हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में किस तरह की स्थिति रहेगी वो आपने जाना। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर की, अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत करते हैं, जहाँ पर कई जगह पर बरसात हो सकती है, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अधिकतर जगहों पर बरसात रहेगी, यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। और असम, मेघालय की बात करें तो यहाँ पर अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। इसी तरीके से उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी स्थिति रह सकती है। अब बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर अनेक जगहों पर बरसात रहेगी। केरल में लगातार अनेक जगहों पर बरसात हो रही है। तमिलनाडु, भीती दक्षिण कर्नाटक, भीती उत्तर कर्नाटक, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना फिलहाल आप देख रहे हैं। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो यहाँ आप देखिए कि ये जो इलाके, यहाँ पर कई जगहों पर, अनेक जगहों पर बारिश होगी। लेकिन वहीं अगर हम कोंकण, गोवा की बात करें तो अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है। मराठवाड़ा में कई जगह, और जो पूरा मध्य भारत है अधिकतर जगहों पर, जिसमें पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, ये तमाम वो क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, जिसमें हम पिछले 24 घंटों में मौसम से जुड़ी कैसी गतिविधियाँ रही उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं।
तो यहाँ पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हरियाणा, ये तमाम मुख्य क्षेत्र हैं। इसी में पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है, जहाँ पर कई जगहों पर बरसात पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भी अधिकतर जगहों पर बारिश रही। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ज़्यादातर जगहों पर यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई है। ऐसे मेघालय में भी बारिश का आलम बना रहा। ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगी पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी ऐसे ही हालात रहे। दक्षिण की बात करें तो केरल में लगातार बारिश हो रही है। केरल में काफ़ी ज़्यादा अधिकतर जगहों पर बारिश दर्ज की जा रही है। भीते दक्षिण कर्नाटक और रायलसीमा, भीते उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में भी पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटों में बारिश की स्थिति क्या रही, मौसम कैसा रहा, इसी कड़ी में अब आपको मध्य भारत की ओर लेकर चलते हैं। तो जिसमें आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, यानी मध्य भारत के जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा बारिश रही है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी ऐसे ही हालात रहे। कोंकण, गोवा के बारे में जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया। तो ये थी मौसम की चाल, पिछले 24 घंटों में कैसी स्थिति रही, जिसमें हमने मुख्य रूप से आपको बारिश के बारे में जानकारी दी। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुए एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, आप कहीं मत जाएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। सर 50,000 एडवांस। इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है, डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि RBI करना है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। IPL Biologicals फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, IPL Biologicals यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम आपको जानकारी देते हैं तापमान के हाल के बारे में, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से ऊपर गया, कहाँ नीचे लुढ़का। अधिकतम तापमान के बारे में हम आपको पहले जानकारी देते हैं, और उसके बाद हम आपको न्यूनतम तापमान के बारे में विस्तृत हाल बताते हैं। शुरुआत करते हैं तापमान के हाल के, अधिकतम तापमान के साथ। तो देश के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर तापमान सामान्य से कम रहा या ज़्यादा रहा, तो उसमें सबसे पहले हम आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में बता दें। तो अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं यहाँ पर 1-3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से नीचे गया है, कम दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों में नागालैंड, मणिपुर और साथ ही त्रिपुरा, मिजोरम की बात करें, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तापमान में गिरावट है। 1-3 जो डिग्री सेल्सियस तापमान है वो सामान्य से यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। हम नजर डालते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी तापमान जो है वो कम नहीं बल्कि ज़्यादा दर्ज किया गया। अभी तक हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ तापमान सामान्य से कम रहा, यहाँ पर 3-5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो अधिक दर्ज किया गया है। विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ भी तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। देख सकते हैं आप विदर्भ और साथ ही मध्य महाराष्ट्र 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सामान्य से तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। और अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में 38.4 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। अब नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर, तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ। तो आप देख सकते हैं 1-3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से यहां पर नीचे गया है, कम दर्ज किया गया है। ये 1-3 डिग्री सेल्सियस कम आप देख रहे हैं कि यहां पर तापमान दर्ज किया गया है। और थोड़ा नीचे आते हैं जिसमें हम आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको जानकारी देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हालांकि तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया, जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 1-3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। पूरे पूर्वोत्तर पर नजर डालें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उपमाले, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ये तापमान 1-3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। दक्षिण की ओर रुख करें तो यहाँ आप देख सकते हैं तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में 1-3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है, न्यूनतम तापमान में यहाँ पर इजाफा रहा है। इसी तरीके से अगर हम मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में ये तापमान 1-3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। वहीं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा में 1-3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये तापमान अधिक दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है।
आइए अब आपको बताते हैं कि सबसे कम तापमान कहाँ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में यहाँ पर 21.2 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज किया गया है, यानी सबसे कम तापमान ये रहा। तो अब जो बात हुई तापमान के हाल की, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी दी, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या रही, आइए देखते हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल, इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। IPL Biologicals फसल को कीड़ों, रोग दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा, मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, IPL Biologicals यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी कैसी है आपके शहर की आबोहवा, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। देश के जो प्रमुख बड़े शहर हैं उन पर हमारी नज़र रहती है, तो आइए AI एंकर भूमि के पास फिर से चलते हैं और उनसे जानते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 75 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 40 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ के वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 58 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 35 दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये थी हमारी AI एंकर भूमि, जिन्होंने एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, यानी देश के जो मुख्य लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर अगले 4 दिनों में मौसम के हालात क्या रहने वाले हैं, कहाँ बारिश होगी, कहाँ बारिश नहीं होगी, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो शुरुआत करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के कटरा की हम बात करें तो यहाँ पर शनिवार रविवार को फिलहाल आपको बारिश से राहत है, बादल छाए रहेंगे तो हो सकता है बीच में थोड़ी बहुत बारिश जरूर यहां पर झुमके, लेकिन सोमवार को अच्छी बारिश होने की संभावना है, मंगलवार को भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है क्योंकि बादल रहेंगे, लेकिन बीच बीच में धूप भी खिलती रहेगी। तो अगले 4 दिनों में कटरा की मौसम की यह स्थिति है। आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, तो यहां देख रहे हैं शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार चारों ही दिन काफी ज्यादा बारिश है, जैसा कि हमने आपको अलर्ट में भी यह जानकारी दी थी कि कहां कहां ज्यादा बारिश होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो आप देख रहे हैं हालांकि तापमान नीचे की तरफ जा रहा है,
है 36, 35, 34। हालांकि चारों ही दिन बारिश काफ़ी रहेगी। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही दर्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा की। यहाँ भी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में भी काफ़ी बारिश रहेगी अगले 4 दिनों में, और चारों ही दिन यहाँ पर बारिश आप देख पा रहे हैं। तापमान की बात करें तो चारों दिन 32 डिग्री तापमान अधिकतम तापमान दर्ज किया जाएगा और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। यानी तापमान में किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव नहीं, लेकिन हाँ बारिश ज़रूर होती रहेगी, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हुए आप ज़रूर सावधान रहें। अब बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले 3 दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश है, हालांकि पहले से तापमान थोड़ा गिरा है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं पहले 2 दिन 33 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 1 डिग्री से इजाफा हो सकता है, लेकिन मंगलवार आते आते 33 डिग्री फिर से हो जाएगा। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं, 27 डिग्री सेल्सियस है 4 में से 3 दिन, और सोमवार को 28 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को हालांकि बारिश से आपको थोड़ी राहत अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ आप देख रहे हैं राजघाट में चारों ही दिन, आप राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बारिश होने की संभावना है, अलग अलग क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। और फिलहाल राजघाट के बारे में आप देख रहे हैं, यहाँ पर तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा शनिवार को, और अगले 3 दिन 33 डिग्री सेल्सियस पर यह कॉन्स्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान भी 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना फिलहाल बनती नजर आ रही है। अब बात करते हैं केरल की। तो आप देखिए केरल के कोल्लम में 4 में से पहले 2 दिन बारिश है, और उसके बाद सोमवार मंगलवार को बादल छाए रहेंगे, धूप खिलती रहेगी, हो सकता है थोड़ी बहुत बरसात जरूर हो, लेकिन पहले 2 दिन काफ़ी बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। यानी तापमान में कोई उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में फिलहाल यहाँ पर होने की संभावना नहीं नजर आ रही है। अब हम दक्षिण की ओर चलते हैं। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल बारिश से राहत है, चारों दिनों में ही आप देख रहे हैं कि उस तरह की झमाझम बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही, लेकिन बादल रहेंगे तो थोड़ी बहुत बारिश हो सकता है, आपको उसका सामना करना पड़े। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई उतार चढ़ाव यहाँ पर फिलहाल होने की संभावना अगले 4 दिनों में नजर आती नहीं दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की बात कर लेते हैं, तो शनिवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है, रविवार सोमवार मंगलवार को बादल रहेंगे, धूप खिली रहेगी, बीच बीच में हल्की फुल्की बारिश की संभावना, हालांकि तब भी अगले 3 दिनों में बनी हुई है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं शनिवार को 28 डिग्री सेल्सियस, रविवार और सोमवार को 27 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को फिर से 28 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहने की संभावना है। अगर हम राजस्थान के अजमेर की बात करें तो यहाँ पहले 3 दिन आप देख रहे हैं काफ़ी बारिश होने की संभावना है, मंगलवार को बारिश थमेगी लेकिन बादल रहेंगे, धूप भी बीच में ज़रूर खिलेगी। अधिकतम तापमान पहले 2 दिन 33 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को 34 और मंगलवार को फिर से 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर अजमेर में दर्ज किया जाएगा। पहले 2 दिन 33 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है तापमान। मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करें तो झीलों का ये शहर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शनिवार और रविवार को काफ़ी बारिश हो सकती है, सोमवार मंगलवार को बारिश तो नहीं होगी लेकिन धूप और छांव का खेल रहेगा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पहले 2 दिन, उसके बाद तापमान में गिरावट है, सोमवार को 30 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। तो ये तो बात है पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं खेती किसानी की, यानी देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, वहाँ पर उगाई जाने वाली फसलों को ध्यान में रखते हुए हम विशेषज्ञों से जुड़ी सलाह आप तक पहुँचाते हैं, और इसमें मदद करते हैं हमारे AI एंकर क्रिश। तो चलिए चलते हैं क्रिश के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान, मैं हूं AI कृष, और आज हम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश के किसान मक्के की फसल को फॉल आर्मी वर्म से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में ही 40 दिन पहले बोई गई रागी की फसल में यूरिया की पहली खुराक डाल लें। साथ ही यहाँ के किसान सभी दलहन फसलों को चूसक कीटों से बचाने के उपाय भी कर लें। आंध्र प्रदेश के किसान कपास को चूसक कीटों से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर लें। आंध्र प्रदेश में मूंगफली में पत्ती धब्बा रोग की रोकथाम के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। कर्नाटक के किसान मूंग की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहाँ मूंग और उड़द को रथुआ रोग से बचाने के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें।
कर्नाटक में ही किसान अरहर की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। यहां बैंगन को फल छेदक कीट से बचाने के लिए फेरोमोन जाल लगा लें। कर्नाटक में इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहां सूरजमुखी को कैटरपिलर से बचाने के लिए किसान जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। तमिलनाडु में इस समय मक्का, लोबिया और ज्वार की बुवाई की जा सकती है। तमिलनाडु में किसान गन्ने की फसल को मीलीबग के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। तमिलनाडु में ही कपास की बुवाई भी की जा सकती है। साथ ही यहां टमाटर के पौधों का रोपण किया जा सकता है। तमिलनाडु में किसान आलू को लीफ माइनर के संक्रमण से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहां के किसान अदरक को सडन रोग से बचाने के उपाय भी कर लें। तमिलनाडु में किसान गाजर को सूक्ष्म कृमि से बचाने के लिए नीम की खली का इस्तेमाल करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद, शुक्रिया कृष, तमाम जानकारी के लिए। ये थे हमारे एआई एंकर कृष, जिन्होंने खेती किसानी से जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई। आइए बात करते हैं कृषि मौसम वैज्ञानिक के, जी हाँ, जया धामी परिहार हमें जानकारी दे रहे हैं पुणे से। जी हाँ, कृषि मौसम वैज्ञानिक जया धामी परिहार हमें बता रही हैं कि इस मौसम में बरसात को देखकर किस किस तरह की सावधानी हमारे किसानों को बरतनी चाहिए। सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों एवं बगीचों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। वर्षा की अवधि के दौरान उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से स्थगित कर दें। पालतू पशुओं को शेड के अंदर ही रखें। त्रिपुरा में यदि अमन धान क्षतिग्रस्त हो गया है तो धान की बुवाई करने हेतु कम अवधि में परिपक्व होने वाली धान किस्मों की चयन करके बाढ़ का पानी कम होने पर बुवाई करें। ओस धान पुष्पन अवस्था में है तो जितनी जल्दी हो सके खेत से पानी निकाल दें। दाना भरने की अवस्था के दौरान मूंगफली के खेत में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। मिजोरम में धान की वनस्पतिक अवस्था के दौरान खेत में जल स्तर 5 से 8 सेंटीमीटर बनाए रखें। फसलों के जड़ सड़न तथा मुरझाने से रोकने के लिए जल निकासी चैनलों का उपयोग करके अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था करें। असम में प्रतिरोपित धान एवं बोई गई मूँग, उड़द, अरहर, तिल एवं सब्जियों की फसलों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। मेघालय में भारी वर्षा के दौरान लोबिया की बुवाई स्थगित करें। गंगे पश्चिमी बंगाल में पान के बगीचों तथा सब्जी के खेतों में जल जमाव ना होने दें। सब्जी की नर्सरी से अतिरिक्त जल की निकासी करें। उड़ीसा में दलहन, मक्का, मूंगफली तथा सब्जियों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था बनाए रखें। उत्तराखंड में धान, बाजरा तथा सब्जियों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें तथा शीघ्र बोई गई सब्जी मटर में सहायता प्रदान करें। खड़ी फसलों में उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग स्थगित कर दें। उत्तर प्रदेश में सभी सब्जियों, दलहन, मक्का में तथा सब्जियों की नर्सरी में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। धान के खेतों में चौड़े एवं ऊंचे मेड़ बनाकर वर्षा जल का संचयन करें। पूर्व राजस्थान में मूंग, उड़द, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, सब्जियों तथा बगीचों में पर्याप्त जल की निकासी करें। मध्य प्रदेश में भारी वर्षा के कारण होने वाले जल भराव से बचाने हेतु मक्का, सोयाबीन, कपास तथा गन्ने में अतिरिक्त जल की निकासी करें। तो ये थी मौसम वैज्ञानिक, कृषि मौसम वैज्ञानिक जया धामी जी, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी। जया धामी परिहार जी ने हमें बताया। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं आज की फसल के बारे में, जो कि बैंगन। जी हाँ, बैंगन को फलों का राजा भी कहा जाता है, अब सब्जियों का राजा कहा जाता है बैंगन को, और ये काफ़ी लोकप्रिय सब्जी भी होती है। लेकिन इसके साथ एक समस्या है कि इसमें कीट और बीमारियाँ होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा रहती है। ऐसे में अगर हमारे फसल हमारे किसान बैंगन की फसल लेते हैं तो उन्हें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता भी है कि कहीं कीट और बीमारियों का हमला फसल को बर्बाद ना कर दे। अगर आप भी बैंगन की फसल लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप देखिए हमारी रिपोर्ट और जानें कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं, कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें और कैसे अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला,
बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की एक हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। एक हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। एक हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थे बैंगन से जुड़ी हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप बैंगन की अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा एक कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे ILK ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीट से सुरक्षा की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना और सोच से समर्थे बनारस की कहानी। खाक भी जहां की पारस है, वो शहर बनारस है। बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ की नगरी से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। जानते हैं बनारस वासियों से उन्हें सरकार मिल गई है, अपनी चुनी हुई सरकार। कितना विकास हुआ है, कितनी उम्मीदें हैं इस सरकार से। और प्रतिदिन सुविधा बढ़ता जा रहा है और हम इनसे बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं। बजट में किसानों के खाते में क्या कुछ? किसानों के खाते में बहुत कुछ आया है। कितना बदलाव यहाँ पर हो गया है। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा मोदी जी का कि गंगा मैया अभी इतना स्वच्छ रहते हैं यहाँ पर। नई सरकार अभी बनी है, भरोसा है कितना काम? बिल्कुल भरोसा है, मोदी अच्छा ही कर रहा है, अच्छा ही करेंगे। देखिए वाराणसी से कार्यक्रम किसान यात्रा 27 अगस्त मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। पालन में पशुपालक कैसे करें आय में वृद्धि? होने वाली बीमारियों पर रखें कड़ी निगरानी।
किस समय कौन सी बीमारी हो सकती है जानलेवा, क्या है लक्षण और बचाव के लिए क्या करें उपाय, जानने के लिए देखिए शुकरों में हॉग कॉलरा और गलघोंटू रोग, लक्षण और बचाव, इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कैलाश खेर फाउंडेशन की तरफ से 5,00,000 रुपए की धनराशि और साथ ही स्वर्ण कलश। अब वक्त है जानने का कि वो कौन है जो भारत के अमृत कलश का है विजेता। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।